हेलो स्टूडेंट्स, फिर इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बताऊंगा बीएससी मैथ्स ग्रुप, और इसी से आप बीसीए भी कर सकते हो। तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम पेपर है डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी सागर, जो कि एमपी में स्थित है। तो जो सागर में एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरी सिंह और के नाम से जानी जाती है, तो उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके कोई भी डिग्री हासिल कर सकते हो। तो वहां से आप बीएससी मैथ्स ग्रुप से भी कर सकते हो और बायो से भी कर सकते हो, किसी भी ब्रांच से आप कर सकते हो। और आप बीसीए करना चाहते हो तो यही आपका टेस्ट होगा, बीएससी मैथ्स ग्रुप / बीसीए वालों के लिए भी यही टेस्ट होता है। तो मैंने भी बीसीए की हुई वहां से, तो पिछले साल मैंने ये टेस्ट डाला था और बीएससी मैथ्स ग्रुप इसमें लिखा है, लेकिन इस टेस्ट को क्वालिफाई करके आप बीसीए भी कर सकते हो। तो आपको ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछी जाती है, थोड़ी जीके वगैरह भी पूछी जाती है, और रीजनिंग के कुछ सवाल होते हैं जो कि 5 या 10 नंबर के होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर फोकस करना है, वो भी 11th 12th की होनी चाहिए। यदि आप बीएससी या फिर बीसीए करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप उसका एंट्रेंस एग्जाम की डेट थी जो 11 मई लास्ट डेट थी, यदि हो सकता है कि डेट आगे बढ़ भी सकती है, तो आपने यदि एग्जाम को एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डाल दिया है तो ठीक है, आप एक बार पैटर्न देख लो, आप उसके अनुसार स्टडी करो तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के भी द्वारा पूछ सकते हो। तो चलिए इसको क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहले मैथ पूछी गई थी, तो ये पेपर थोड़ी पुराना हो गया है, इसकी हालत थोड़ी कंडीशन है जो गड़बड़ हो गई है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखते जाओ कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो आप इसके अनुसार अंदाजा लगा सकते हो। यदि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप देखते जाओ, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिक्स से है, ज़्यादातर 12th के बेस पर क्वेश्चन थे, और इसमें आंसर में भी मैंने टिक कर दिया है, तो आप आंसर भी इजीली फाइंड कर सकते हो, जो कि मैंने टिक कर दिए हैं वही आपके आंसर हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप तो वीडियो को पॉज करके बस क्वेश्चन को अच्छी एक बार देखते जाओ। समाकलन अवकलन भी इसमें पूछे गए थे, जो कि 12th में है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। यदि आप क्लास 12th की मैथ पढ़ना चाहते हो तो वो भी हमारे चैनल फ्री इंडियन कोचिंग पर अवेलेबल है, डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आप वहां से मैथ भी पढ़ सकते हो। आपको फोकस करना है तो आपको 12th क्लास पर फोकस करना है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है, वही ज़्यादातर आपकी पूछी गई थी। यहाँ से आपकी फिजिक्स चालू हो गई है, फिजिक्स तो बहुत ही इजी पूछी गई थी। आप शिवलाल की जो मोटी गाइड होती है उसमें से आप आराम से स्टडी कर सकते हो, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और मैं भी डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रहा हूँ। तो आप यूनिवर्सिटी की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। आपको फिजिक्स में सबसे ज़्यादा पढ़ना है तो विमीय सूत्र और मात्रक जो भी होते हैं, तो आपको मात्रक सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है।
यहाँ से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट है। तो इस केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का लेवल है जो थोड़ी टफ होता है, तो आपको ध्यान से केमिस्ट्री 11th 12th की कंप्लीट करनी है। और इन सभी क्वेश्चन को, जो कि इसमें 100 क्वेश्चन है एग्जाम में, एग्जाम पेपर में, तो आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना है यदि आप एग्जाम देने जाते हो तो। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ते जाओ और आंसर तो आपको टिक लगे हुए हैं। और आपको एक चीज पर और फोकस करना है, आपकी जो क्लास 10th की NCERT विज्ञान की बुक होती है उसको भी आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, जो कि मेन पॉइंट होते हैं उसमें, अध्याय के लास्ट में मेन पॉइंट दिए जाते हैं आपको, तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। बस इतनी है, आपकी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।